सकती है एसीबी में दूसरे राज्यों से आए से अधिकारियों की सैलरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप राज्यपाल नजीम जंग के बीच दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर चल रही रार में अब एक नया मोड़ आ गया है। केंद्र गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि एसीबी के दूसरे राज्यों के अधिकारियों के नियुक्ति तब तक वैध नहीं माना जा सकता है जब तक किसी को उप राज्यपाल की मंजूरी न मिल जाए। गृह मंत्रालय के मुताबिक एसीबी के अन्य राज्यों से आए अधिकारियों के वेतन रोका जा सकता है। इसमें वह अधिकारी शामिल है जिनके नियुक्ति पर उपराज्यपाल ने सहमति नहीं जताई है। मांझी को अपने ही बाग का फल खाने नहीं दे रहे हैं नीतीश। बिहार के नीतीश कुमार और जतिन राम मांझी के बीच राजनीति के साथ साथ हर तरह की रस्साकशी जारी है। दोनों एक दूसरे को पटखाने देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो दर्जन पुलिस कर्मियों को मांझी के आवास पर लगे पेड़ों की सुरक्षा में लगा दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि जतिन राम मांझी और उनके परिवार के लोग आवास परिसर के लगे फल और सब्जियां ना तोड़ पाए। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलेगी विश्व की सबसे सस्ती बुलेट ट्रेन। भारत में मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन विश्व की सबसे सस्ती बुलेट ट्रेन हो सकती है। इसके लिए जापान की एक टीम काम में लगी हुई है। भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन का किराया फास्ट एसी से कुछ ही महंगा होगा। जानकारी के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन का एसी फर्स्ट का किराया 1895 रुपए हैं, वहीं बुलेट ट्रेन के इसका अनुमानित किराया 2800 रुपए होगा। अब क्रिकेट के फैंस के सामने पेश होगा एक और दिलचस्प टूर्नामेंट। आईपीएल, सीपीएल, एसएलपीएल, चैंपियन लीग, टी20, बिग बैश और ना जाने क्या क्या टी20 फॉर्मेट हिट होने के बाद देखते देखते कुछ सालों में तमाम क्रिकेट लीग पेश हो गई। हालांकि ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर और शेन वॉन ने मिलकर अमेरिका में एक लीग शुरू करने का फैसला किया है जिसे पूर्व दिग्गज हिस्से बनेंगे, वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियन दिग्गज डीन जॉन्स ने सचिन वॉर्नर से पहले ही इस प्रकार के टूर्नामेंट शुरू करने का ऐलान कर डाला है। किम कार्दशिया की ड्रेस में लगी आग। हॉलीवुड से बॉलीवुड तक सुर्खियों में बनी रहने वाली हॉट एंड सेक्सी किम कार्दशिया पिछले दिनों एक हादसे का शिकार होते होते बच गई जिसमें उनकी जान भी जा सकती थी। एक कार्यक्रम के दौरान किम की ड्रेस में आग लग गई थी लेकिन उसी समय रहते उसे बुझा दिया गया। काउंसिल ऑफ फैशन डिजाइनर ऑफ अमेरिका अवार्ड फंक्शन में डिनर समारोह के दौरान अचानक किम की ड्रेस में आग लग गई। इस समारोह में किम काले रंग के वन पीस गाउन पहनकर पहुंची थी। अचानक एक जलती हुई मोमबत्ती उनके ड्रेस पर गिर गई। मुंबई के इस बड़े अस्पताल में स्वीपर करते हैं पोस्टमार्टम। इसे कह सकते हैं लापरवाही की हद कानून का धज्जिया उड़ाना। यह जानकारी आपको चौंका जाएगी कि मुंबई के एक सबसे बड़े पोस्टमार्टम केंद्र में डॉक्टर की जगह स्वाइपर पोस्टमार्टम करते हैं। इस काम के लिए अस्पताल ने 10 स्वाइपर को नियुक्त किया हुआ है। मुंबई के केम अस्पताल के इस पोस्टमार्टम केंद्र में हर साल 2000 से अधिक पोस्टमार्टम होते हैं। कानून की धज्जियां उड़ाते हुए स्वाइपर शवों की चीटफाड़ करते हैं। मुंबई के इस नामी गर्मी अस्पताल के जिसके बारे में लोग जानते हैं कि इस अस्पताल में हर विभाग के विशेष डॉक्टर मौजूद हैं। यहां उनका इलाज और मेडिकल विभाग के संबंधित हर काम सही तरीके से होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पोस्टमार्टम जैसे महत्वपूर्ण काम डॉक्टर के बजाय स्वाइपर करते हैं। पाक सेना प्रमुख का सफेद झूठ। 1965 की लड़ाई में भारत को दी थी शिकस्त। पाकिस्तान किसी न किसी बहाने से भारत पर हमला करने नहीं चुकता है। इसका नमूना हम कई बार दिखा चुके हैं। किसी क्रम में पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर वाला ढोल पीटना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने कहा है कि कश्मीर दोनों देशों के बंटवारे का अधूरा एजेंडा और कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही शरीफ ने एक और झूठ बोला है। 1965 में हमारी सेना ने भारत को करारी शिकस्त दी थी। प्रियंका तिवारी, इंडिया लाइव न्यूज़, मुंबई।